आज मैं आपके लिए लेके आई तुरई की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी। जिनको तुरई खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो भी ये सब्जी खाकर आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी ये सब्जी, बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं। आपने आज से पहले ऐसे तुरई की सब्जी कभी नहीं बनाई होगी और इसको खाकर सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तुरई की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे तोरियों को मैंने पहले से ही अच्छे से धोकर और पोंछकर रख लिया है। इसको हमने पील करना है। वेट में अगर देखेंगे तो 250 ग्राम यहाँ पर मैंने तुरई ली है, तो इसको सबसे पहले हम पील कर लेते हैं। तो यहाँ पील करने के लिए मैं पीलर का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले नाइफ़ से हमने इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ही फ्रेश जो है वो तोरियाँ मिल जाती हैं। इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बहुत ही अच्छी हरी सब्ज़ी है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। और इस तरह से हमने इसको पील कर लेना है पीलर से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये पील हो जाती है, क्योंकि एकदम फ्रेश तुरइयाँ जो है मैंने ली हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए तुरइयों को मैंने छील लिया, इस तरह से आपको छील लेना है पीलर से। पीलर से थोड़ा जल्दी हो जाता है तो और ईजी भी रहता है। तो पीलर से इस तरह से आप इनको छील लीजिए और फिर इनको हम कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए सारी तोरियों को मैंने छील कर रख लिया है, इसको अब हमने कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा मोटी साइज़ की जो है वो तुरई नहीं ली थी, थोड़ी बारीक वाली ली थी, तो मैं इनको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ा ही कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीच में से कट लगा कर भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश तोरी है, बिल्कुल भी कोई बीज नहीं है इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़े मोटे साइज़ में गोल गोल ही कट कर लिया है। और जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ी मोटी है तोरी, तो आप इसको बीच में से इस तरह से कट लगा कर दो पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी सब्जी को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी तोरी को मैंने कट करके रख लिया है। अब चलेंगे हम गैस की तरफ सब्जी बनाने के लिए। तो इसको इस तरह के टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 4 से 5 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया था, उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ी सी राई डाली है और कुछ करी लीव्स डाल रही हूँ, एकदम फ्रेश। बहुत अच्छा टेस्ट आता है तोरी की सब्जी में करी लीव्स का। और 2 बारीक कटे हुए प्याज मैंने यहाँ पर डाले हैं, बिल्कुल फाइनली कट किया है मैंने प्याज को। इसी तरह से हमने इनको भून लेना है, तेल में डालने के बाद में हल्का सा गुलाबी होने तक हमने इसको भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो आपके जो तुरई का सब्ज़ी का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ साथ में ही मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का है, इसको मैंने कोसली ग्राइंड कर लिया था। और आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद में हमें प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है, हल्का सा गुलाबी होने तक। गैस मीडियम हीट पे रखी हुई है मैंने, और प्याज को मैं भून रही हूँ लगातार, और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहिए और इसको हल्का गुलाबी होने तक इस तरह से भून कर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है हल्का गुलाबी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया से प्याज जो है हमारा भूनकर तैयार हो गया है। बस इससे ज़्यादा हम प्याज को अब नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 छोटा चम्मच बेसन का, और इसके साथ ही हम इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं प्याज के साथ में अच्छे से, जिससे कि बेसन का जो है वो कच्चापन निकल जाए। तो इस तरह से आपको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए प्याज के साथ बेसन को बहुत बढ़िया से भून लेना है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है आपकी तुरई की सब्ज़ी में। इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा आप, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो भूनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/2 चम्मच डाल दिया है हल्दी का, 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और नमक आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक का डाला है। और सभी चीज़ों को अच्छे से डालकर हमने भून लेना है 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले बहुत बढ़िया से भून जाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले जो हैं वो बहुत बढ़िया से भुन गए हैं। गैस को आपको स्लो ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आपने गैस हाई किया तो बेसन जो है वो जल सकता है। तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने 2 टमाटर की प्यूरी, साथ में ही डाल दिया थोड़ा सा पानी। इससे हम अब मसाले को भूनेंगे।
तो यहाँ पर हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। पानी इसलिए ऐड किया है कि मसाले जले ना और बहुत बढ़िया से पक कर तैयार हों। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 1-2 मिनट के लिए हमें मसाले को बहुत बढ़िया से भून लेना है ऑयल रिलीज़ होने तक। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला जो भून कर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से मसाला तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तुरई जो हमने कट करके रखी हुई है। तो यहाँ पर हमने तुरई को इसमें ऐड कर देना है मसाले में। तुरई को मसाले में ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ में। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ में सारी तुरई की सब्ज़ी को इस तरह से, और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। स्लो गैस पर ही हम इसको इस तरह से भूनेंगे जिससे कि आपकी सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं तोरी को मसाले के साथ में भूनते हुए, बहुत ही बढ़िया से भूनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको पकाएंगे ढककर, और मैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालने वाली। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको ग्रेवी को एडजस्ट करना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि एक ये हरी सब्ज़ी है तो ये अपना पानी खुद ही रिलीज़ कर देती है, इसमें इतना पानी होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर पका लिया है स्लो गैस पर, और हमारी तोरी की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी तुरई की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी मसालेदार और एकदम गाढ़ी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी का, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर डालिए। इसकी जगह आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और सब्ज़ी के ऊपर बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हरा धनिया डालकर इसको कर देंगे हम सर्व। और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बड़े से एक बाउल में सर्व करने के लिए। गैस को कर दिया मैंने ऑफ़, यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है। इस तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। गर्मियों में बनाई जाने वाली बहुत सारी सब्जियों की रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमारी तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब आप चाहें इसे परौंठे के साथ में सर्व कीजिए, या चपाती के साथ, या राइस के साथ, सभी के साथ में आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तुरई की सब्ज़ी हमने बनाकर तैयार की है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आने वाला है, आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।